हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सेम टाइप के काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड अगर कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो मैं आप बार बार रिपीट करता हूँ कि इक्वेशन हमेशा टाइम को लेके फॉर्म कीजिए, ठीक है। जब टाइम को लेके इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो एवरी टाइम आप एक ही टाइप की इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो जब भी कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब सेम ही इक्वेशन बना करेगी हर बार, तो सेम ही इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी एक ही तरीका यूज करेंगे, उसके लिए फिर से अगेन नई इक्वेशन के लिए नया तरीका सोचना पड़ता सॉल्व करने का, यहाँ ऐसा, ठीक है। तो सेम फिक्स हो जाएगी, राइट। अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो एक पानी की बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, एक नदी है। तो आप क्या कर रहे हैं, नदी में अपस्ट्रीम जा रहे हैं ऊपर 32 किलोमीटर, और 36 किलोमीटर आप आ रहे हैं डाउन स्ट्रीम, और आपको टोटल टाइम लग रहा है 7 आवर्स, राइट। तो अब मैंने आपको बताया कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने टाइम को लेके इक्वेशन फॉर्म, राइट। टाइम को लेके क्या इक्वेशन फॉर्म होगी यहाँ पे, कि जब आप 32 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं और 36 किलोमीटर नीचे आ रहे हैं, तो टोटल टाइम आपको जो लग रहा है वो 7 आवर्स का। इसका मतलब अगर जाने का टाइम T1 हम मान ले और आने का टाइम अगर हम T2 मान ले, तो ये टोटल टाइम ऐड करके इक्वल है 7 आवर्स। तो आपने क्या करना है, इसको लेके इक्वेशन फॉर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमेशा इसी चीज की इक्वेशन फॉर्म कर, ठीक है। नाउ अब अगर हम टाइम का फॉर्मूला देखें, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपने T1 निकालना है, तो T1 निकालने के लिए आप देखो कि जाते वक्त कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो और जाते वक्त आपकी स्पीड क्या है, राइट। तो डिस्टेंस पता चल जाएगा और स्पीड पता चल जाएगी। और T2 है आते वक्त डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ, इस केस में देख लीजिए आपकी डिस्टेंस कितनी है और इस केस में आपकी स्पीड क्या है, तो इससे आपको T2 पता चल जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू 7, पहली इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पानी के साथ फ्लो कर रहे होते हैं, वो चाहे विद द वॉटर विद द स्ट्रीम और अगेंस्ट द स्ट्रीम आप फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे स्पीड नहीं, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड काम कर रही है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इमेजिन करो एक पानी नीचे की तरफ बह रहा है और आप भी नीचे की तरफ ही बोट को दौड़ाते हुए आ रहे हो, तो आप जल्दी पहुंचोगे क्योंकि यहाँ पे दोनों की स्पीड मिलकर ज्यादा तेजी से काम। और अब इमेजिन करो कि आप पानी को ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हो, पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब यहाँ आप क्योंकि अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हैं, तो आप दोनों की स्पीड जब एक साथ काम करेगी, तो रिजल्टेंट स्पीड जो है, नेट स्पीड जो है, वो कम हो जाएगी। सीधी सी बात है ना, तभी तो ऊपर जाते हुए ज्यादा टाइम लगता है, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं एट दी स्पीड ऑफ द बोट इज एक्स किलोमीटर, स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब पानी, ठीक है, वाटर की स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर। नाउ अब यहाँ पे आपने जो फाइंड आउट करना है, दैट इज कि स्पीड जब हम अपस्ट्रीम जा रहे थे ऊपर की तरफ, मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो स्पीड क्या थी, ठीक है। इस केस में जब आप अगेंस्ट द स्पीड जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, तो यहाँ पे आपको बोट में से करंट की स्पीड को माइनस करना होता है, राइट। और स्पीड डाउनस्ट्रीम की अगर हम बात करें, तो अब आप पानी के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे रिजल्टेंट स्पीड दोनों की कंबाइंड स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बढ़ने के लिए दोनों की स्पीड को क्या करते थे हम लोग, ऐड कर, क्लियर, राइट। बहुत बार बच्चे इसको ना याद कर लेते हैं कि क्या विद द फ्लो द सेम डायरेक्शन में ऐड करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस करना, तो बहुत कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि जब सेम स्पीड सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस हो जाएगा, बट जब नॉर्मल स्पीड होती है तब वहां पे ना डिफरेंट हो जाता है। ट्रेन से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है वहां चीजें डिफरेंट, तो मैं एडवाइस करूंगा इसे रटें, समझ लीजिए कि जब आप पानी के अगेंस्ट फ्लो करोगे, मतलब तो पानी नीचे आप ऊपर, तो स्पीड दोनों की मिला के कम हो जाएगी ना, ज्यादा टाइम लगता है ऊपर जाने, तो दोनों की स्पीड को माइनस करेंगे, और आप पानी भी नीचे बह रहा है और आप भी उसी के साथ नीचे बह रहे हो, तो दोनों की रिजल्ट मिलाकर ज्यादा तेजी से आप नीचे आओ, करेक्ट। तो यहाँ पे दोनों की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, प्लस, राइट। अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको देखें, तो फर्स्ट इक्वेशन में अपस्ट्रीम जाने के लिए हम 32 किलोमीटर जा रहे हैं,
और ऊपर जाते वक्त अपस्ट्रीम की जो स्पीड है दैट इज एक्स माइनस, ध्यान रखिए ऊपर जाते वक्त स्पीड नहीं होगी रिलेटिव स्पीड होगी। तो टी वन हमारा 32 अपॉन एक्स माइनस वन आया। अब टी टू निकाल, टी टू कितना होगा, टी टू मीन्स डाउन स्ट्रीम आते वक्त, तो डाउन स्ट्रीम हमारा जो डिस्टेंस है फॉर्मुला देखिए ये लगाएंगे आप स्पीड टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो नीचे आते वक्त डिस्टेंस हमारा 36 किलोमीटर है और नीचे आते वक्त हमारी स्पीड x प्लस ये टोटल टाइम लग रहा है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन को अगर हम यहां से रीड करें तो आल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो ऊपर जाते वक्त ठीक है ऊपर जाते वक्त कितना का डिस्टेंस है 40 अपस्ट्रीम जाते वक्त है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऊपर जाते वक्त स्पीड ये होगी और प्लस सेकंड है नीचे आते वक्त 48 किलोमीटर जा रहे हैं, नीचे आते वक्त ये आपकी स्पीड होगी और यहां ऐसा करने में आपको लग रहा है 9। देखिए आपको टोटल कितना लग रहा है 9, दिस इज आवर सेकंड करेक्ट। आई डोंट थिंक यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन फॉर्म पर नहीं समझ आ गई सभी को ठीक है। नाउ अब आपको पता है इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ये 1 अपॉन x माइनस y को एक चीज एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, ठीक है अब एज्यूम करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं 1 अपॉन x माइनस y को a मान लेते हैं और 1 अपॉन x प्लस y को लेट से आपको b मान, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखें तो ये 32 अपॉन x माइनस 1 और 1 अपॉन x माइनस y को आपने a मान लिया है, तो ये जो इक्वेशन है ये ऐसे चेंज हो जाएगी 32 a प्लस सेकेंड हो जाएगी कितना 36 b और ये इक्वेशन हो गया 7। दिस इज आवर इक्वेशन फोर्थ कितनी है, फोर्थ है 40 अगेन x माइनस वाई 1 अपॉन x माइनस वाई को आपने टी माना है और इसको आपने टी माना 48 टी इक्वेशन। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, सॉरी दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन राइट। तो दोनों ही इक्वेशंस बन गई थर्ड एंड फोर्थ। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, ए और बी का वैल्यू निकालिए और ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम लोग फिर से दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे और एक्स एंड वाई की वैल्यू, ठीक है चलो करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, तो ऐसा करने के लिए दिस इज 32 इज 8 इनटू 32, एक काम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड को 4 से करते हैं, इससे a इक्वल हो जाएगा ठीक है। बेसिकली क्या किया मैंने 32 एंड 40 का एलसीएम लिया, 32 एंड 40 का एलसीएम जो भी आया होगा फिर मैंने देखा 32 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एलसीएम बन जाएगा ठीक है। दिस फॉर दैट मैटर 32 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 * 160 ठीक है, एलसीएम 160 आया। 32 को किससे मल्टीप्लाई करें 160 लाने के लिए 5 से और 40 को किससे करें 4 से ठीक है। तो दो नई इक्वेशंस फॉर्म होगी, एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये वैल्यूज थी, फर्स्ट वाली वैल्यू को हम किससे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नेक्स्ट वाली वैल्यू को 4 से ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 168 प्लस 60 36 * 5 करेंगे 6 * 5 33 माइनस कर लेते हैं, लिमिनेट करने के लिए ऐसे ही करते हैं, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 192 में से 180 माइनस करेंगे तो यहाँ 12 बच जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे माइनस ठीक है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया तो b का वैल्यू आ गया है 1 अपॉन 12 ठीक है। अब आप क्या करें, इसका वैल्यू दो में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए और a का वैल्यू निकालिए ठीक है। तो एक काम करते हैं इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट अगर हम कर दें तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, ये वाली कौन सी थी इक्वेशन थर्ड थी और ये इक्वेशन फोर्थ थी, तो थर्ड वाले में सब्स्टिट्यूट ठीक है। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे इसको कलर से यूज कर लेता हूँ, तो 32 a एज इट इज रहेगा और 36 b का वैल्यू कितना है 1/12 क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो कट गया आपस में ठीक है और ये इक्वल्स टू 7 है, b कैंसिल होकर कितना होगा 32 a इज इक्वल्स टू 7
प्लस थ्री इधर आके माइनस हो गया, सिक्स फोर थर्टी टू ए, ए का वैल्यू हो गया फोर अपॉइंट थर्टी टू विच इज वन अपॉइंट। ए और बी का वैल्यू आ गया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपने लेट किया था यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, कैसे करेंगे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस चीज को, तो वन अपॉन एक्स माइनस वाई का वैल्यू है इक्वल्स टू ए और ए का वैल्यू है वन अपॉन ए, उसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा ए इक्वेशन, और सेकंड है वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू है बी और बी का वैल्यू है वन अपॉन टू, इसको भी अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, देखिए दो नई इक्वेशन बनी है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एट, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व, इसको अगर हम फिर से एलिमिनेट करेंगे तो टू एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी, एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, एक्स का वैल्यू आ जाएगा टेन, करेक्ट। अब एक्स का वैल्यू अगर टेन है फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा टू, तो दैट मीन्स x का वैल्यू तो आ गया है 10 और y का वैल्यू आ गया है 2, तो दैट मीन्स x क्या लेट किया था आपने, वापस से पहले वाले पेज पे चलो, सो यहाँ पे हमने x लेट किया था द स्पीड ऑफ द बोट, ये कितनी आ रही है 10 किलोमीटर पर आ रही है, और y का वैल्यू कितना आ रहा है, ये हमने लेट किया था स्पीड ऑफ द करंट, ये आ रहा है 2 किलोमीटर, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोगों को, वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं बट मैं चाहता हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को कंप्लीट करें आपको वो सारी चीज समझ आए किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देन कीप वॉचिंग।